नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह, मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज की सेशन में हम देखें चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम एंड रिलेटेड क्वेश्चन। गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन आपके जेई और नीट लेवल के होंगे और इसके अतिरिक्त बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चन होंगे। तो पहली चीज तो गॉस लॉ क्या है, गॉस थ्योरम क्या है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये आपका कॉन्सेप्ट है, कहता है ये थ्योरम लॉ है और ये लॉ कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। मीन्स इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है और यहाँ पे हमारे पास चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है और इस जगह पर -Q3 है और आउटसाइड द क्लोज सरफेस एक चार्ज है Q4, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका φe इक्वल टू E डॉट dA इक्वल टू कहता है ये कि 1/ε0 क्यू इनसाइड ऑफ, ये आपका होता है। अब यहां से हमको लेना है क्यू इनसाइड, तो क्यू इनसाइड में कितने हैं, Q1 है, Q2 है, -Q3 है, अपॉन है आपका इतना ε0। तो ये हमारा गॉस लॉ है और गॉस लॉ के अनुसार इतना हो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो ये कहता है कि देखिए फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड अपॉन ε0। तो ये हमारा गॉस लॉ हुआ और गॉस लॉ ये कह दिया कि अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसे जो फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स पासेज होगा 1/ε0 टाइम्स होगा टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। अगर यही चीज अगर आउटसाइड द, अगर हमारा चार्ज है तो क्या होगा, इफ चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस तो उस कंडीशन में नेट फ्लक्स पासेज थ्रू द सरफेस इज जीरो। नेट फ्लक्स जो होगा वो हमारा सरफेस से जो पास होगा वो क्या होगा, जीरो। अब इस ये हमारे दो कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर हमारा चार्ज इनसाइड में है तो नेट फ्लक्स पास थ्रू द क्लोज सरफेस इक्वल टू होगा क्यू इनसाइड अपॉन ε0। अगर ये चार्ज आउटसाइड है, इनसाइड में नहीं है, तो देन जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जीरो होता। ये हमारा गॉस लॉ है। अब ये गॉस लॉ के दो स्टेटमेंट थे और दोनों स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते हैं। वैसे लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता बट यहाँ पे हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है इस जगह पर और ये चार्ज यहाँ पे स्थित है, प्लेस्ड है और ये यहाँ पे देखें कि ये हमारा चार्ज है और इससे हम क्या करते हैं कि r डिस्टेंस का, यहाँ पे r सपोज कर लेते हैं, एक हम सरफेस लेते हैं स्फेरिकल सरफेस, दिस सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस और ये रेडियस हम लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज के हम एलांग जो होता है, राउंड जो होता है, गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं और ये रेडियस है हमारा आर। तो यहाँ पे ड्यू टू सिमेट्री जो होगी, क्योंकि हर पॉइंट जो होता है सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होने के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी और ये रेडियली आउटवर्ड होगी, नॉर्मल टू द सरफेस एंड रेडियली आउटवर्ड। और जो एरिया वेक्टर है हमारा dA, अगर यहाँ पे हम छोटा सा पैच ले लें, पैच में टुकड़ा ले लें, तो ये एरिया एलिमेंट है dA
और इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यानी एरिया वेक्टर और ये जो होते आपके हैं एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है और नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल है, तो देन एंगल बिटवीन देम इज जीरो। तो अब यहाँ पे हमने सपोज किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन ए इज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अब यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमारा, ई इक्वल टू 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो निकलेगी वो होगी 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लेते हैं एरिया वेक्टर डीए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आर रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड है, तो दैट इज ई एंड डीए आर पैरेलल। हम पहले ही बता दिए आपको कि यहाँ पे हमने एक एरिया एलिमेंट या जिसको बोलते हैं पैच बोलते हैं, पैच मीन्स ये होता है पेवन, पूरा हम लोग तो ऐसे कपड़े पेवन वाले पहने हैं, अब जमाना चेंज हो गया, आप लोग के जमाने में ऐसा नहीं है, तो ऐसा है कि ये पैच है और एक छोटा सा हम पार्ट लेते हैं स्फीयर के ऊपर और ये हमारा पैच है, और इस पैच पर हमने एरिया वेक्टर का देखा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है नॉर्मल टू द सरफेस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस सरफेस पर क्या होगी, कांस्टेंट होगी ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है, यहाँ से अगर सेंटर से हम देखें तो ये सभी जो पॉइंट होंगे इस सरफेस के यहाँ से क्या होंगे, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो होगी इस सरफेस पर वो होगी कांस्टेंट एंड रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड आउटवर्ड होगी, तो डीए का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन सेम है रेडियली आउटवर्ड, इट मींस ई एंड डीए आर पैरेलल, दोनों पैरेलल है तो एंगल इनके बीच जो होगा वो जीरो होगा। तो हम निकालेंगे फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट डीए, डीए से कितना फ्लक्स पास होगा, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीए, ई डीए कास जीरो, अब कास जीरो की वैल्यू होती है 1, तो डी फाई ए ई डीए। अब ये हमारा टोटल एरिया है ये, तो हम टोटल एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा या सरफेस होल सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए इज कितना होगा, पाई इक्वल टू इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे ये साइन जो होता है क्लोज्ड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन का जनरल साइन होता है और यहाँ पे जो ये बना हुआ है ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है कि क्लोज हमारा जो सरफेस है वो क्लोज है। अब ये डी फाई की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे, डी फाई इक्वल टू ई डी ए, तो ई तो हमारा कांस्टेंट है तो उसको हम क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, तो ई हमारा बाहर आ गया और डी ए, अब डी ए कितना होगा इसकी, स्फेयर का स्फेयर है तो स्फेयर का सरफेस एरिया होती है 4πr², तो हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया और यहाँ से पाई 4πr². अब फ्लक्स हमारा निकल गया, ई की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ई की वैल्यू कितनी थी, 1/4 πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर 4πr², तो 4π से 4πr² से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, देन हमको मिलेगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये हमारा फ्लक्स हुआ। अब आते हैं कि हमारे पास जो आउटसाइड अगर चार्ज है, तो यहाँ पे हमारा चार्ज क्या है, आउटसाइड द क्लोज सरफेस, जो हमारी सरफेस है उससे बाहर के तरफ है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि दो एरिया एलिमेंट लिए, एक एरिया एलिमेंट यहाँ पे है और एक एरिया एलिमेंट हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे ए वन एरिया, अगर इसको हम डी ए वन ले लेते हैं एरिया एलिमेंट, तो इस जगह पे वन एरिया एलिमेंट इसको कंसीडर कर लें और इसको हम टू कंसीडर कर लेते हैं, तो इस पॉइंट पर वन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका किधर, इधर होगा
और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है किधर होता है, इस तरफ आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे जो एंगल इसके बीच बन रहा है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, वो होगा 180 डिग्री। इस पॉइंट पर 180 डिग्री का एरिया बनेगा। और यहाँ पे एरिया वेक्टर आपके और इलेक्ट्रिक फील्ड वो दोनों जो होंगे सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये हमारा जो पॉइंट टू हम लोगों ने एरिया एलिमेंट लिया है, यहाँ पे वन एरिया एलिमेंट पर 180 का ई और डीए के बीच जो एंगल है 180 डिग्री का है, और इस पॉइंट पर टू पर कितनी एंगल है 0 डिग्री, क्योंकि बोथ आर सेम डायरेक्शन। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड होता है, नॉर्मली आउटवर्ड होता है, और यहाँ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि चार्ज हमारा इस पॉइंट पर है। अब यहाँ पे हम फ्लक्स पास कर फ्लक्स लेते हैं। तो इफ द चार्ज क्यू आउटसाइड द क्लोज सरफेस, अगर हमारा चार्ज आउटसाइड हो तो देन हम इस वन पॉइंट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है और टू से कितना, जो वन पर एरिया एलिमेंट कट किए हैं और टू पर एरिया एलिमेंट जो कट किए हैं वो कितना होगा। तो फाइव वन की जगह पर ई डॉट डी ए वन और यहाँ पे ई डॉट डी ए टू। अब ये दोनों हमारे निकल चुके हैं। अब एंगल ले लेते हैं, या यहाँ पे एंगल थीटा वन थीटा टू मानकर चलते हैं। तो पहले वाली जगह पर कास थीटा वन और दूसरे वाली जगह पर कास थीटा टू। अब इसी को हम क्या करते हैं, ई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ई की जो हमारी वैल्यू होगी इतनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और Q/r². तो यहाँ पे जो हमारा सरफेस वन था उसके लिए हम वन कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे वन ले लिया, ये एरिया एलिमेंट डी वन के लिए है, और उसके इनके बीच जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया एलिमेंट है इनके बीच हम सपोज कर लेते हैं कि थीटा वन एंगल है। सिमिलरली हम वहां पे एरिया एलिमेंट टू पर जाते हैं, तो टू पर जाएं तो उस जगह पर हम इसके और इनके बीच एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल हम थीटा टू सपोज कर लेते हैं। तो हमको मिलेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। इवन की ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और ई की वैल्यू, तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं आर टू। अब एक कंसेप्ट और है कि कंसेप्ट ये होता है सॉलिड एंगल का। तो सॉलिड एंगल है आपका, ये कोई स्फेयर है और स्फेयर के सरफेस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, कोई छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं मिला दें, और यहाँ पे जो एंगल मेक होगा इस पॉइंट पर सेंटर पर इस सरफेस के द्वारा, ये सरफेस के द्वारा जो इस सेंटर पर एंगल मेक होगा उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है डी ए कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और आर यहाँ से रेडियस हमको लेना है। तो ये जो होगा फर्स्ट सरफेस के लिए सॉलिड एंगल होगा और ये सेकंड सरफेस के लिए सॉलिड एंगल होगा, और सॉलिड एंगल जो होंगे वो सेम होंगे। अब इसको चाहे आप यहाँ से पॉइंट को आगे बढ़ा लें, यहाँ पे ले लेते हैं, तो इस सरफेस के लिए भी यहाँ पे सॉलिड एंगल सेम होगा। तो हमारा ये मिलेगा -Q/4 पाई एप्सिलॉन d ओमेगा इनवर्ड। इनवर्ड यहाँ पे नेगेटिव इसलिए लिया है कि दो चीज, हम लोगों ने जब फ्लक्स का कंसेप्ट देखा था तो जब हमारा ये चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखें यहाँ पे है। अब इस पॉइंट पर अगर कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में। तो एंगल जो होता है वो होता है 0 डिग्री का। लेकिन जब फील्ड लाइंस किसी सरफेस में इंटर करती हैं उस पॉइंट पर फ्लक्स क्या होता है, निगेटिव होता है। और जब फील्ड लाइन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स को क्लोज सरफेस को पास करती है यानी उससे बाहर निकलती है, तो वहां पे फ्लक्स होता है पॉजिटिव। तो जो हम लोगों ने एरिया कंसीडर किया इस तरह से और हमारा ये बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स होगा वो निगेटिव होगा और इस पॉइंट पर जो होगा फ्लक्स पॉजिटिव होगा। इसलिए ये हमारा निगेटिव लिया गया है और इसको हम लोगों ने पॉजिटिव लिया। तो यहाँ पे आउटवर्ड है, ये हमारा इनवर्ड है।
एक कॉन्सेप्ट ये लेकर चलते हैं कि इनवर्ड है अगर यहाँ पे तो निगेटिव, आउटवर्ड है तो पॉजिटिव, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। अब आप देखें कि जितनी वैल्यू ये है उतनी ये है, तो कैंसिल आउट होंगे, देन हमको क्या मिलेगा, फ्लक्स इक्वल टू ई डी ए इक्वल टू जीरो। यानी अगर हमारा चार्ज क्लोज सरफेस से बाहर है तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। अगर इन साइड में है तो फाई इक्वल इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये हमारे गॉस थ्योरम था और गॉस लॉ था, और गॉस लॉ का प्रूफ हम लोगों ने देखा। अब गॉसियन सरफेस क्या होता है, तो देखें ये आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस होता है, आर्बिट्रेरी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस। तो ये हमारा होता है कि एनी आर्बिट्रेरी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, एनी सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन, कॉल द गॉसियन सरफेस ऑफ दैट चार्ज, इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वैच्छिक, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक। ये कोई रियल सरफेस नहीं होता है, काल्पनिक होता है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉसियन सरफेस हम लोग क्या करते हैं, ड्रा करते हैं चार्ज को, जो गॉसियन सरफेस जो होता है चार्ज को इनक्लोज्ड करता है। तो यही बात कह रहा है कि एनी आर्बिट्रेरी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस ऑफ दैट चार्ज। गॉसियन सरफेस हमारे जो होते हैं, गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, क्यूब 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 टाइप का हो सकता है। तो ये सरफेस ऑफ स्फीयर, सिलेंडर एंड क्यूब, ये हमारे एग्जांपल्स हैं गॉसियन सरफेस के। अब इसकी गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, गॉस लॉ इज ऑलवेज ट्रू बट इट इज नॉट ऑलवेज यूजफुल। ये हमेशा सत्य होता है लेकिन हमेशा यूजफुल नहीं होता है। तो ये हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि गॉस लॉ इज ऑलवेज ट्रू बट इट इज नॉट ऑलवेज यूजफुल, ये ऑलवेज यूजफुल नहीं होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब आगे प्रॉपर्टीज में जब चलते हैं, तो फर्स्ट इट शुड बी क्लोज सरफेस, इसको कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। और क्लोज्ड में आपको फिजिक्स में मैंने बताया था कि फिजिक्स में 3D सरफेसेस को क्लोज्ड माना जाता है, जो हमारे 3D सरफेस होते हैं उनको क्लोज्ड मानते हैं, और 2D सरफेस जो होते हैं उनको ओपन सरफेस माना जाता है फिजिक्स में। यानी 3D है तो 3D मतलब स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है। तो यही चीज हमारी पहली खासियत है गॉसियन सरफेस की, इट शुड बी क्लोज्ड सरफेस, इसको क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरा, दिस सरफेस मस्ट पास थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है सरफेस को, गॉसियन सरफेस को उस पॉइंट से पास होना चाहिए। जैसे मान ले, सपोज करें कि यहाँ पे हमारा चार्ज है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करनी है, तो गॉसियन सरफेस इसी पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो यानी ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करनी है, गॉसियन सरफेस को उसी पॉइंट से पास होनी चाहिए। अब थर्ड है कि सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट सोर्स, सोर्स के अबाउट जो होती है सिमेट्रिक होनी चाहिए, ये थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी। फोर्थ हम देखते हैं कि ये कह रहा है कि स्फेरिकल सिमेट्री। अब सिमेट्री कौन कौन सी होती है, एक स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है, तो वो है गॉसियन सरफेस एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो देखें कि यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्फीयर ये ले लिए, ये स्फीयर ले लिए और यहाँ पे स्फीयर। अब यहां से जब आप जाएंगे तो इस स्मॉलर सरफेस पर, जो हमारा छोटा सरफेस है, इस पर हर जगह क्या है, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, फिर इसका क्या है, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, फिर इससे यहां से आपका डिस्टेंस क्या है, हर जगह का सेम है। सेंटर से डिस्टेंस अगर मेजर करें तो सेम, तो ये स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है, हमारी सिमेट्री होती है। फिर इसी तरह से सिलिंड्रिकल सिमेट्री होती है, तो सिलिंड्रिकल सिमेट्री हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल सिमेट्री को हम देखते हैं, आइए सिमेट्रिकल सिमेट्री देख लेते हैं। तो सिलेंडर को आप बना लेते हैं हम लोग, और सिलेंडर को बनाकर देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर है,
और ये देखें कि सिलेंडर ये है और इसके एक्सी से, अगर एक्सी से ये देखें तो ये इसके सरफेस के डिस्टेंस क्या होंगे, इसके सरफेस के डिस्टेंस होंगे इक्वल, तो ये कैसा कहलाएगा, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल सिमेट्री होगी, तो इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, एक कोएक्सियल सिलेंडर वो होगा। अब यहीं पे एक और हम सिलेंडर बना लें, तो इस जगह पर एक और सिलेंडर आप मेक कर लें, तो ये कोएक्सियल, एक्सिस दोनों के इक्वल है। अब ये कैसा है, और भी आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, तो इस तरह से हम गॉसियन सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि यहां से जिसका भी अगर आउटर का देखते हैं तो इक्वल डिस्टेंस होगा एक्सिस से, तो ये हमारे स्फेरिकल सिमेट्री था और ये एक हमारा सिलिंड्रिकल सिमेट्री था। अगला है प्लेन सिमेट्री। प्लेन सिमेट्री में क्या होता है कि पिल बॉक्स होता है, पिल बॉक्स। अब यहाँ पे देखें कि ये अगर मान ले कि हमारे पास एक प्लेन है और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, ये हमने पॉजिटिव चार्ज दिया इसको, तो जब पॉजिटिव चार्ज देंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि गॉसियन सरफेस ड्रा करना होगा, और ये गॉसियन सरफेस होगा वो होगा सिलिंड्रिकल, यही हमारा पिल बॉक्स का, इसको हम बोलते हैं पिल बॉक्स। तो पिल बॉक्स भी होते हैं वो प्लेन सेमेट्री होते हैं। फोर्थ है प्रॉपर्टी है द मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो चौथी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कांस्टेंट फॉर सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कांस्टेंट, ये हो सकता है 0 डिग्री, 90 डिग्री हो सकता है, या 180 डिग्री। तो ये कह रहा है कि जो एंगल बनेगी ई और डी ए के बीच उसको क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट है फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस द गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं तो गॉसियन सरफेस किसी एक चार्ज से पास नहीं होगा, अकेले अगर कोई डिस्क्रीट चार्ज है, विभक्त चार्ज है, तो उससे पास नहीं होगा, क्योंकि किसी चार्ज के एग्जैक्ट लोकेशन पर, इस लोकेशन पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होती है। अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लें, आप ये एग्जाम्पल भी थोड़ा पुराने जमाने का ही है, दीपक, दीपक होता था, दीपक की पेदी जो पिछवाड़ा होता था, पेदी होती थी, वो क्या होता है, दीपक सबके बुराइयों को देखता है, सबको उजाला करता है, लेकिन अपने पेदी को नहीं देख पाता है। ठीक उसी तरह से जो हमारा चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, बट इसके खुद के लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है, यानी इसके खुद के जो लोकेशन है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये अपने दूसरे तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, लेकिन अपने लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अपने खुद के लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं होती है। तो इस कारण से, इस वजह से फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस द गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेज हैं तो किसी एक चार्ज से हमारा गॉसियन सरफेस पास नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट था 6। अब हमारी सातवीं प्रॉपर्टी, द गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू ए कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां से हमारा गॉसियन सरफेस पास हो सकता है। अब आते हैं गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ, गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ देख लेते हैं। तो देखिए कि गॉस लॉ और कूलम्स लॉ इंटर रिलेटेड होते हैं, गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ इंटर रिलेटेड होते हैं। कूलम्स लॉ से हम गॉस लॉ को डिराइव कर सकते हैं और गॉस लॉ से हम कूलम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो ये चीज है कि लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड ड्रा ए गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ क्यू एज सेंटर। अब यहाँ पे क्यू हमने सेंटर पर रखा,
और आर रेडियस का हमने क्या किया, एक गासियन स्फीयर, इसको बोलेंगे गासियन सरफेस, तो ये हमारा गासियन सरफेस है। तो देखिए ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी क्या होगी, इस सरफेस पर कांस्टेंट होगी और रेडियली आउटवर्ड होगी। एरिया वेक्टर तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है नॉर्मल टू द सरफेस, अगर एरिया वेक्टर है तो वो सरफेस के नॉर्मल ही होता है। यहाँ पे मान लें, सपोज कर लें कि हमारे पास एक क्यूब है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल ही होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देख लिया कि इस सरफेस पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट होगी और रेडियली आउटवर्ड होगी। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम इसी डायरेक्शन में होगा। इसको हमने सपोज किया कि ये हमारा एरिया एलिमेंट है, तो पहले तो हम एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास हो रहा वो फाइंड कर लेंगे, फिर इस एलिमेंट से फिर टोटल सरफेस एरिया से कितनी फ्लक्स पास हो रहा है उसको हम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग कि ई डॉट डी ए, तो ई डॉट डी ए का मतलब ई डी ए का जीरो, क्योंकि ई और डी ए पैरेलल है और परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस, दोनों जो होते हैं परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस है और पैरेलल है, तो ये हमको मिल गया ई डी ए। तो अब यहाँ पे फाई फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कितना होगा, ई डॉट डी ए इक्वल टू ई डी ए। ई हमारा कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर लाएंगे इसको, तो ये हमको बाहर मिला। अब इसका गॉसियन सरफेस का हमको फाइंड करना है सरफेस एरिया कितनी होगी, तो होती है 4 पाई r स्क्वायर, तो फाई ई जो हुआ हमारा ई और 4 पाई r स्क्वायर, ये हमको मिल गया फ्लक्स। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होता है क्यू अपॉन इप्सिलॉन जीरो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे अप्लाई कर लिया हमने किसको, अप्लाई कर लेते हैं गॉस लॉ, गॉस लॉ को अप्लाई किए, तो गॉस लॉ हमारा यही कहता है कि पाई ई इक्वल टू क्यू 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 इन साइड अपॉन इप्सिलॉन, ये हुआ। और क्यू इन साइड में जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रा किया था उसमें हमने क्या चार्ज लिया था, क्यू लिया था आइसोलेटेड चार्ज, तो ये हो गया इतना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी इतनी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर कोई हमारे पास टेस्ट टेस्ट चार्ज अगर क्यू जीरो रखा हो तो इनके बीच जो फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा, एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू जीरो, और यहाँ पे ई की वैल्यू हम पुट कर दें तो 1/4 πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यही हमारा कूलम्स लॉ है। तो इससे हम कूलम्स लॉ से गॉस लॉ को और गॉस लॉ से हम कूलम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं कूलम्स लॉ एंड गॉस लॉ। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होंगे। अब क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, हाउ इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस अफेक्टेड मून वेन। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और इसके सेंटर पर क्या रखा गया है, एक पॉइंट चार्ज रखा गया है। यहाँ पे कह रहा है कि पॉइंट चार्ज, तो इस सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन है हमारा पहला कि द स्फीयर इज रिप्लेस्ड बाय सिलेंडर ऑफ द सेम वॉल्यूम, अगर हम इसको इसके जगह पर क्या रख दें, इसको रिप्लेस कर दें, स्फीयर की जगह पर हम क्या रख दें, सिलेंडर रख दें, तो सिलेंडर रख देंगे तो क्या फ्लक्स में चेंजिंग आएगी। तो आपको बता दें कि जो फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो फ्लक्स होता है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज, शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। अगर शेप आपका इस तरह से हो, चाहे शेप सिलिंड्रिकल हो, चाहे शेप स्फेरिकल हो, और चाहे शेप हमारा क्यूबिकल हो, हर कंडीशन में जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, यही होगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा फ्लक्स होगा। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू द सरफेस विल नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप और साइज ऑफ द सरफेस इंक्लोजिंग द चार्ज,
ये कह रहा है देखें, शेप आर साइज ऑफ द सरफेस इंक्लोजिंग द चार्ट, ये हो गया हमारा। अब यही चीज अगर बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, वो सारे क्वेश्चन को मैंने रखा है। तो पहली तो ये हो गया कि इसको हम क्या करें, स्फीयर को हटाकर सिलेंडर रख दें या क्यूब रख देंगे तो फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यानी फ्लक्स हमारा अनइफेक्टेड होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड इसी में, कि दस स्फीयर इज रिप्लेस्ड बाय ए सिलेंडर ऑफ द डिफरेंट वालो, यानी हमने तो उसी को देखे, यहाँ पे आपका रखा था, पहले हमने रिप्लेस किया सेम वॉल्यूम के सिलेंडर से, अब हम रिप्लेस कर रहा है कि जिसका वॉल्यूम क्या हो, डिफरेंट हो, इस स्फीयर से डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में भी जो हमारा फ्लक्स होगा वो डिपेंड नहीं करता, तो फ्लक्स जो होता है हमारे वॉल्यूम पर भी डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे आपको बताएं, देखिए एक स्फीयर है, यह क्यू रख ली, अब इसको आप बड़ा कर दिए तब भी फ्लक्स उतना ही है, इसको और बड़ा कर दिए तब भी फ्लक्स आपका उतना ही है, यानी इससे जो फ्लक्स हमारे पास होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही हो। ये नहीं कि वॉल्यूम को अगर हम इंक्रीज कर दें या रेडियस को इंक्रीज कर दें तो फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, फ्लक्स में कोई चेंजिंग आपकी नहीं होगी। तो फाई ई विल नॉट बी अफेक्टेड, यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो हमारा फ्लक्स होता है वो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। थर्ड का, द चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम द सेंटर टू सम अदर प्लेस इनसाइड द स्फीयर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लें, ये सेंटर पर था, अब इस चार्ज को हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे, तो फ्लक्स डज नॉट चेंज, फ्लक्स हमारा चेंज नहीं होगा, फ्लक्स हमारा उतना ही होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा होगा। अब यहाँ पे फाई वी ई विल नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द सर्फेस, ये कह रहा है कि फाई विल नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द सर्फेस। एग्जैक्ट लोकेशन पर, चार्ज के एग्जैक्ट लोकेशन पर हमारा फाई फ्लक्स जो होता है डिपेंड नहीं करता है। अब द चार्ज इज मूव्ड आउटसाइड द स्फीयर, अब डिफेक्ट आएगा, अगर इस चार्ज को हम बाहर निकाल देंगे तो अभी तो हम लोगों ने गॉस लॉ में देखा था कि अगर गॉसियन सरफेस हमारा चार्ज को इंक्लोज नहीं करता है, अगर चार्ज हमारा आउटसाइड है तो फ्लक्स क्या हो जाएगी, फ्लक्स विल बी जीरो, तो फ्लक्स हमारी जीरो हो जाएगी, तो इस कंडीशन में इफेक्ट होगा, फ्लक्स विल बी कम जीरो बिकॉज ये चार्ज आउटसाइड द सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू फाई ई, फ्लक्स में भागीदारी नहीं बनाता है, यानी ये जो होता है कि आउटसाइड का जो चार्ज होता है वो फ्लक्स में भागीदार नहीं होता, ये कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, ए सेकेंड चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फीयर, अब ये चेंजिंग होगी, तो देखिए कि स्फीयर है और एक चार्ज हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पॉइंट चार्ज को रख दिया था, अब एक चार्ज और रख दिया इसके अंदर, तो फ्लक्स चेंज होगा, अब फ्लक्स होगा यहाँ पे देखिए, क्यू इनसाइड अपॉन कितना है एप्सिलॉन, तो क्यू इनसाइड कितना हो गया, क्यू वन प्लस क्यू टू, वेन अगर क्यू टू पॉजिटिव है तब, अगर क्यू टू हमारा निगेटिव है तो इसको हम लेंगे निगेटिव, और देन ये आ गया एप्सिलॉन जीरो, तो इस कंडीशन में हमारा फ्लक्स चेंज होगा, तो आइए फ्लक्स देखते हैं, फाई ई विल चेंज बिकॉज फाई ई इक्वल टू क्यू अपन वेयर क्यू इज द नेट चार्ज टेकिंग द साइन ऑफ द चार्ज इनटू अकाउंट, दस फ्लक्स इज एन एडिटिव क्वांटिटी, फ्लक्स हमारी जो होती है एडिटिव क्वांटिटी की होती है। अब सिक्स है क्वेश्चन, ए सेकेंड चार्ज इज प्लेस आउटसाइड द स्फीयर, तो नहीं चेंज होगा, और बाहर हम रख देंगे तो हमारा नहीं चेंज होगा, विल नॉट बी अफेक्टेड, तब हमारा बाहर अगर रखते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये हमारा था मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन, डाउटफुल क्वेश्चन, वो हमने आपका सारे क्वेश्चनों का, डाउटफुल क्वेश्चन का जवाब दिया। आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तो आइए क्वेश्चन लेते हैं, ये एक और प्रॉपर्टी है, सेवन सातवां क्वेश्चन, द चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर चार्ज को देखें कि
कि ये है हमारे पास चार्ज है, और चार जो क्यू था हमारा पॉइंट चार, उसको इससे रिप्लेस कर दिया किससे, इलेक्ट्रिक डायपोल से। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, सिस्टम होता है जो किससे मिलकर, एक सिस्टम है जो मिला होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये हमारा सिस्टम है जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो से मिलकर बना होता है, और स्मॉल दूरी पर चार्जेस हमारे होते हैं। अब आपका यहाँ पे जो फ्लक्स हुआ वो हो गया कितना, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड में कितना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये हमारा मिल जाएगा जीरो, यानी फ्लक्स होगा वो जीरो होगा अगर अगर डाइपोल रख देंगे। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखें कि यहाँ पे चार्ज अगर रखा गया है इसके सेंटर सेंटर पर, अगर कोई शेप है और उसके सेंटर पर चार्ज रखा गया है, और शेप को हम रिड्यूस कर दें, हाफ कर दें, तो हमारा फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अगर इसी सिलेंडर को हम क्या कर देंगे, हाफ कर देते हैं, ये तो अभी क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे चार्ज हमारा क्यू है, तो यहाँ पे फाई, क्योंकि पहले हम लोगों ने देख लिया है कि जो फ्लक्स हमारा होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। तो सिलिंड्रिकल शेप है तब भी फ्लक्स हमारा वही होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अगर क्यूबिकल शेप है तब भी फ्लक्स हमारा क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अगर हमारा इस तरह से क्या कहते हैं, इरेगुलर शेप है, तो यहाँ पे अगर चार्ज है तो फ्लक्स हमारा कितना होगा, उतना ही क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अगर ये सर्कुलर या स्फेरिकल शेप है और चार्ज हमारा क्यू है इसके अंदर, तो फ्लक्स हमारा कितना होगा, उतना ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। यानी फ्लक्स जो होता है शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि शेप चेंज कर देने से फ्लक्स जो होगा वो चेंज होगा, फ्लक्स हमारा चेंज नहीं होता है, शेप और साइज पर फ्लक्स जो होता है डिपेंड नहीं करता है। ये हमारा हुआ। अब आते हम एक जो क्वेश्चन था हमारा मेनली वो था कि देखें, ये हमारा क्या कहते हैं कि एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के सेंटर पर, इस जगह पर सेंटर पर क्या है, एक क्यू चार्ज रखा गया है। अगर इस सिलेंडर को हाफ कर दें, हाफ कर दें, तो हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो अभी तो इसे फ्लक्स क्या हुआ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अगर फ्लक्स ये यहाँ पे अगर हमारा चार्ज रखा हो, देखिए इस पॉइंट पर रखा हो, तो हमको फ्लक्स फाइंड करने के लिए इसको क्या करना होगा, इसको पूरा करना होगा। तो इसको पूरा करेंगे ऐसे, तो जो ये ऐसे था हमारा, तो फ्लक्स कितना पास हो रहा था, हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो हाफ सरफेस रह गया, तो फ्लक्स भी हमारी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से फ्लक्स हमारा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इस जगह पर हमारा चार्ज है सपोज करें, तो अब इसको अगर हाफ कर दें हम, तो यहाँ से फ्लक्स, यहाँ तो फ्लक्स हमारा उतना ही होगा। अब ये चार्ज अगर यहाँ पे है इस पॉइंट पर, तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स हमारा हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए हमको कितने, हाफ हाफ ही सेमी सेमी स्फेयर की जरूरत है, तो ये पूरा हो जाएगा, स्फेयर हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये जो फ्लक्स होगा अगर यहाँ पे है, अगर कोई आपका ये जो होता है सिमेट्रिकल सरफेस है, और इसको अगर हाफ कर दे रहे हैं, तो फ्लक्स भी हमारा हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब चार्ज हो आ जाएगा तब। ये हमारा था। अब कुछ और क्वेश्चन लेंगे हम लोग। और क्वेश्चन हमारा ये है कि प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड यल, फाइंड फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस, फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे हम क्यूब ले लेते हैं, और यहाँ पे सेंटर पर हमारा सेंटर पर क्या रखा गया है, चार्ज रखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब चार्ज रखा गया है इस सेंटर पर, तो कह रहा है कि इससे कितने फ्लक्स पास होंगे, तो यहाँ से तो फ्लक्स इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, इधर भी फ्लक्स जा रहा है,
इधर भी पास हो रहा है, इधर भी पास हो रहा है, हर डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स जो होता है पास हो रहा है। तो फ्लक्स पास है थ्रू दो, सरफेस कितना होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। लेकिन वन फेस से गए तो वन फेस से तो इधर ही आपका निकलना है ना, तो कितने फेस हैं इसमें, सिक्स फेस है, इसमें सिक्स फेस है, तो वन फेस से कितना होगा, वन फेस से होगा वन अपॉन सिक्स क्यू एप्सिलॉन जीरो। ये हमारा इसका वो होगा, देखें ये है क्यूब, अगर इसके क्यूब के सेंटर पर अगर चार्ज रखा है तो इधर से भी फ्लक्स पास हो रहा है, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, नीचे से भी, हर डायरेक्शन से फ्लक्स पास हो रहा है। लेकिन जब एक फेस से पास करेगा तो कितने फेस हैं, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, तो सिक्स है तो वन बाई सिक्स हो जाएगा। तो वन फेस से जो हमारा फ्लक्स पास होगा वन बाई सिक्स होगा। सिमिलरली आते हैं हम लोग अगला पर देखते हैं, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब, फ्लक्स थ्रू होल सरफेस ऑफ द क्यूब और फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास चार्ज क्यू है और किसी एक कोने पर चार्ज को रखा गया है। तो देखें यहाँ पे इस जगह पर कॉर्नर पर ये चार्ज हमारा यहाँ पे प्लेस्ड है। तो अब आपसे प्रश्न क्या था कि फ्लक्स थ्रो द होल सरफेस ऑफ द क्यूब, होल सरफेस ऑफ द क्यूब से और फ्लक्स थ्रो वन फेस ऑफ द क्यूब, तो यहाँ पे आपको समझना है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये हमारे पास जो चार्ज है या इस पॉइंट पर प्लेस्ड है तो किस डायरेक्शन में, इसको अगर हम जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि ये हमारा था सिलेंडर और इस जगह पर हाफ सिलेंडर है और ये हमारा हाफ कर देते हैं इसको, तो इस जगह पर था यहाँ पे, तो इसको हम लोग पूरा कर दिए तो हमको कितने सिलेंडर की जरूरत पड़ी थी, एक आधे की जरूरत पड़ी थी। तो यहाँ से जो फ्लक्स हमको मिला था वन अपॉन टू क्यू अपॉन कितना था एप्सिलॉन जीरो था, तो हमको इतना मिल जाएगा फ्लक्स। अब यहाँ पे जो हमको देखना है कि इस पॉइंट पर रखा गया तो इसको हमको कितने क्यूब, ये क्यूब है हमारे पास और इस पॉइंट पर यहाँ पे सपोज करें कि चार्ज रखा गया, तो हमको कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी कि ये सेंटर पर जाए, तो एक इधर से, एक इधर से, इस तरह से, तो टोटल अगर एट क्यूब हमारे पास हो तो ये सेंटर पर हो जाएगा, ये चार्ज होता है सेंटर पर हो जाएगा। देन हम क्या लिखेंगे कि जो फ्लक्स होगा वो वन अपॉन एट क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा, क्योंकि इस कॉर्नर पर है तो इस कॉर्नर पर जो होगा फ्लक्स आपका, इसको हमको ये ऐसे क्यूब बनाने हैं कि ये क्या हो जाए कि ये एक पूरे बड़े साइज के क्यूब के सेंटर पर आ जाए, तो हमको एट क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी, आठ क्यूब चाहिए इसको सेंटर पर लाने के लिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, आठ का डिवाइड कर देंगे तो हमको फाइंड हो जाएगा कि कितनी फ्लक्स पास होगी। तो देन हम ये लिख सकते हैं, देखिए वन अपॉन एट क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब इसको सेकंड का देखना है कि जैसे वन फेस अगर सेंटर पर रहता यहाँ पे तो वन फेस से तो वन बाई सिक्स हो जाए, लेकिन ये हमारा कहाँ पे है, कॉर्नर पर है। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो कॉर्नर पर है तो जो हमारा फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस कॉर्नर पर, एक इस फेस के पैरेलल हो जाएगी, इस फेस के पैरेलल हो जाएगी, इस फेस के भी पैरेलल हो जाएगी और इस फेस के भी पैरेलल हो जाएगी, सॉरी हाँ ये पैरेलल होगी यहाँ पे और इसके और इसके, तीन फेस के पैरेलल हो जाएगी। तो तीन फेस के पैरेलल होगी उस कंडीशन में एरिया वेक्टर देखें कि यहाँ पे इस जगह पे कॉर्नर पर हमारा चार्ज रखा गया, इस कॉर्नर पर चार्ज जब रखा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इस सरफेस के लिए क्या होगी, पैरेलल होगी, इस सरफेस के लिए पैरेलल होगी और अपर सरफेस के लिए पैरेलल होगी। तो अब जरा देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस,
तो अब यहां पे जो एंगल बनेंगे, देखें कि अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के लिए, देखिए इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पैरेलल हो गई, फिर एक सरफेस है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो गई, और एक सरफेस ये है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच एंगल कितना बना, आपका एंगल बना 90 डिग्री। अब यहाँ पे है आपका, तो यहाँ पे इलेक्ट आपका पैरेलल है, पैरेलल इसके लिए जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें कितने का एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखना है तो 90 डिग्री का एंगल, यानी थ्री सरफेस के लिए एंगल जो होगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो थ्री सरफेस तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अब हमारे पास थ्री सरफेस बने तो फ्लक्स जो होगा, ये तो हमारा 8 था, अब इसका 1/1/3 हो जाएगा, तो देन हमारा यहाँ पे मिलेगा φ=1/3 Q/8 ε₀। तो ये हम लिख सकते हैं 1/24 Q/ε₀। तो ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट था जब यहाँ पे कार्नर पर हम रखेंगे। तो अब इसी तरह से हम आपको क्वेश्चन देते हैं, हमारे पास क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर चार्ज अगर किसी फेस पर रख दिए तो इसे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो ये होगा Q/2 ε₀। अगर इस जगह पर रख दिया गया तो कितना होगा, Q/4 ε₀। तो ये आप देखेंगे कि अगर इस पॉइंट पर रखा गया है, इसको आप खुद सॉल्व करें और देखें कमेंट में बताएं कि इसका रीजन क्या हो सकता है। तो ये यहाँ पे जब रखेंगे तो Q/4 ε₀, और यहाँ पे होगा तो Q/ कितना होगा आपका ε₀। एक यहाँ पे क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस जगह पर कह रहा है कि यहाँ से D/2 डिस्टेंस पर हमारा चार्ज रखा है, और ये हमारे पास एक जो होता है कि फेस है, ये फेस है, और इस फेस का साइड जो दे रखा है वो डी है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि फ्लक्स बताइए कि कितना पास होगा, तो हम क्या करते हैं कि अगर इसको, इस फेस को यहाँ पे ले आके शिफ्ट कर दें, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि ये किसी क्यूब का 1 फेस हो जा रहा है, तो ये हमारा फेस हो गया, क्यूब का 1 फेस आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे डी हो गया, और यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक D/2, और ऊपर से जब आप लेंगे D/2 तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, ऊपर से जब D/2 लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका कितना, डी हो जाएगा, और यही दे रखा है आपका। तो यानी हमारा चार्ज जो होता है किस पर हो जा रहा है, सेंटर पर हो जा रहा है, तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होगा 1/6, और ये होगा क्योंकि एक ही फेस है, एक फेस से हमको फ्लक्स फाइंड करना है, तो Q/ε₀, ये हमारा फ्लक्स हो जाएगा इसके लिए। थैंक यू स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है इसी तरह से वीडियो बनाने के लिए। तो सो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर।